हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये वेट करते हैं कि जब एयर टिकट का प्राइस डाउन होगा तो उस टाइम में हम ट्रैवल करेंगे। तो आज की इस वीडियो इसी बेस्ड पे है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सैयद हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद हसन ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके, जिससे आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको उससे हेल्प मिल सके। और ये बहुत ही गुड लक है आपका कि आपको इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको उस प्राइस में टिकट अगर मिलता है जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका काफ़ी अच्छा लक है, क्योंकि यूजुअली इतने कम फेयर में आपको एयर टिकट कभी भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री इन द UAE आई हैव एवर सीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए खुशखबरी है। UAE से भारत यात्रा का हवाई किराया UAE इंडिया एयरफेयर बहुत सस्ता हो गया है। भारत के 13 शहरों के लिए अब करीब 250 दिरहम यानी अप्रोक्सीमेटली 5,000, मान लीजिए 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी 250 दिरहम का टिकट आपको वन साइड टिकट 250 दिरहम का है। UAE की बहुत कम दरों पर विमान सेवा देने वाली कंपनी एयर अरेबिया ने एक तरफ के लिए इस सस्ती उड़ान का ऐलान किया है। यही नहीं, एयर अरेबिया ने रासल खेमा और शारजा एयरपोर्ट के लिए शटल बस सेवा भी स्टार्ट कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि शारजा एयरपोर्ट से एयर अरेबिया और रासल खेमा एयरपोर्ट से भी एयर अरेबिया ऑपरेट होती है। तो एयर अरेबिया ने जिन शहरों के लिए यह उड़ान सेवा शुरू की है उनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गोवा, कालीकट, कोची, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कोयम्बटूर और नागपुर शामिल हैं। दोस्तों, एयर अरेबिया ने बताया है कि उसकी शटल बस सेवा रासल खेमा और शारजा के लिए दिन में तीन बार चलेगी। इसके लिए पैसेंजर्स को 30 दिरहम चुकाने होंगे, यानी आपको 30 दिरहम का किराया लगेगा शारजा एयरपोर्ट से आपको रासल खेमा जाने के लिए और रासल खेमा से आपको शारजा एयरपोर्ट पर आने के लिए 30 दिरहम। UAE आने वाले यात्रियों को 17 जनवरी से ही महाराष्ट्र में 7 दिनों का होम क्वारंटीन में अब छूट मिल रही है। यानी 17 जनवरी के पहले, यानी 17 जनवरी के पहले जब आप सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो इंडिया में लैंड होते थे, इंडिया जाते थे, तो उनको 7 डेज का होम क्वारंटीन अनिवार्य मैंडेटरी था। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने इसमें छूट दी है कि अगर आप महाराष्ट्र में मुंबई में अगर आप लैंड करते हैं तो आपको क्वारंटीन 7 डेज़ की होम क्वारंटीन वगैरह आपको नहीं करना है और ना ही एयरपोर्ट पे आपका फिर से PCR टेस्ट होगा। मतलब आपके हाथ में जो 72 घंटे पहले की वैलिडिटी वाला जो PCR टेस्ट होता है, यानी आप जब ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो ट्रैवल स्टार्ट करने के पहले आप 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट कराते हैं, बस वही PCR टेस्ट वहाँ एयरपोर्ट पे जब आप लैंड होंगे तो वो PCR टेस्ट वहाँ पे वो चेक होगा। दूसरा आपका कोई भी PCR टेस्ट वहाँ पे नहीं होगा और ना ही आपको 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। जो लोग जो भारतीय UAE में हैं और मुंबई जाना चाह रहे हैं तो ख़ास तौर से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। यही नहीं, UAE आने वाले यात्रियों को अब UAE आने पर भी PCR टेस्ट नहीं कराना होगा। मतलब ये नहीं कि आपको अगर UAE आना है तो फिर आपको PCR टेस्ट नहीं कराना होगा, नहीं। यानी जब आप UAE में लैंड होते हैं तो जो भी भारत से अगर UAE में आता है तो यहाँ पे भी एक आपका रैपिड टेस्ट होता है, उसमें आप डिस्काउंट हो गया है कि वो रैपिड टेस्ट आपका नहीं होगा। मतलब दोनों जगह पे आपका जो 72 घंटा पहले आपने जो PCR टेस्ट कराया है बस वही काम करेगा, अलग से आपको कोई PCR टेस्ट वगैरह नहीं कराना है। इससे पहले 7 जनवरी को भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की थी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर 7 डेज का होम क्वारंटीन लाजिम था उस टाइम। यानी जब आप 7 जनवरी को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो लोग भी जो है इंटरनेशनल अराइवल होगा उनको 7 दिनों तक होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, वो अब ख़त्म हो गया इंडिया में, मुंबई में। सो दुबई ट्रैवल एजेंट के मुताबिक भारत के घर पर क्वारंटीन करने के ऐलान से UAE से भारत का हवाई किराया बहुत कम हो गया था। यानी
लोगों को जब ये पता चला कि अभी 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, और तो लोगों ने ट्रैवल करना अपना ट्रैवल को होल्ड कर दिया था, क्योंकि लोगों के दिल में ये डर था कि मे बी फ्लाइट कहीं बंद ना हो जाए, यानी अभी जो रिसेंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है उसके लिए। तो इसलिए इसमें आपको अभी छूट मिल रही है, और लोगों ने लोग डर रहे थे कि मतलब ऐसे टाइम में ट्रैवल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए किराया सस्ता हो गया है। ट्रैवल उद्योग की एक अधिकारी ने कहा, लोगों को डर है कि उड़ानों को फिर से बंद किया जा सकता है, इसी वजह से लोग यात्रा करने से परहेज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मतलब लोगों के दिल में ये डर है कि अगर हम इंडिया जाते हैं और 7 दिन का होम क्वारंटीन करेंगे, फिर उसके बाद अगर वापस आने के टाइम में अगर फंस गए, अटक गए, वापस नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में आपके दिमाग में आती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रैवल प्लान होल्ड कर दिया था, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था 2020 में जब डेल्टा वेरिएंट आया था, तो ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए यूएई और इंडिया से जो है फ़्लाइट बिल्कुल कंटिन्यू बंद थी। उस टाइम बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शन थी, कोई भी ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं था जितना अब है। ट्रैवल उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, लोगों को डर था कि उड़ानों को फिर से बंद किया जा सकता है, इसी वजह से लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे थे। हालांकि अभी भी कुछ एयरलाइन का किराया भारत के प्रमुख शहरों के लिए 300 दिरहम दिखाया जा रहा है। हवाई किराया कम होने से उन भारतीयों को बड़ी राहत मिल सकती है जो भारत आना चाहते हैं, लेकिन किराया ज़्यादा होने की वजह से भारत आ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, जिन लोगों को अभी जाना है तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम है आपके लिए, क्योंकि 250 दिरहम मतलब 5,000 रुपये इंडिया का आपको उस प्राइस में डोमेस्टिक टिकट मिलता था। यानी अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आप जाएंगे इंडिया में, तो वो आपका भी टिकट तकरीबन 5,000, 5,500, 6,000 ऐसे आता है। तो दिस इज़ द वेरी बिग डील, और इस टाइम आप इस डील का फ़ायदा उठाइए। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई सनसनी अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।